नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रजनीश में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं प्रत्येक दिन मिशन लुसेंट टारगेट ऑफ द डे के अंतर्गत दिए गए टॉपिक का एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आता हूं। इसी कड़ी में मैं आज एक नए वीडियो के साथ आया हूं। आज का टॉपिक है भारत के भूगोल के अंतर्गत सामान्य जानकारी, विश्व के स्थलबद्ध देश एवं विश्व के प्रसिद्ध स्थल। आइए दोस्तों, आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज का पहला टॉपिक है भारत के भूगोल के अंतर्गत सामान्य जानकारी। ठीक है, तो आइए आज के पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, भारत उत्तरी गोलार्ध में 8° 4' से 37° 6' उत्तरी अक्षांश और 68° 7' से 97° 25' पूर्वी देशांतर के बीच है। समझ पा रहे हैं? तो ये जो दिया हुआ है, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार दिया हुआ है। किसी भी स्थान का एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए अक्षांश रेखा एवं देशांतर रेखाओं से ही उसको बताया जाता है। अगर आप अक्षांश और देशांतर रेखा को अच्छे से समझना चाहते हैं तो स्टडी विथ रजनीश के प्लेलिस्ट में इंडियन ज्योग्राफी के पहला वीडियो जाके आप देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6° 4' से 37° 6' उत्तरी अक्षांश के मध्य है। दोस्तों, यहाँ पे बात की गई है संपूर्ण भारत की, अर्थात भारत का विस्तार भारत के मुख्य भूमि के अलावे हिंद महासागर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक सबसे जो दक्षिणी द्वीप है उसका नाम है महान निकोबार। महान निकोबार का दक्षिणी भाग जो है उसे इंदिरा पॉइंट या पिग्मिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट कहते हैं। उसकी अक्षांशीय स्थिति जो है वह 6° 4' है। तो यहाँ पे वहीं से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, इसे याद कर लेंगे। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह विश्व का 2रा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश जो है उसमें रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत 7वें नंबर पर है। ठीक है, आप इसको कोडिंग के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। इसका कोडिंग है रूक चीन अब आ भारत। रूक से हो जाएगा रूस, कनाडा, चीन से चीन, आ से अमेरिका, ब से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया। अब भारत 7वें नंबर पर है और 8वें नंबर पर अर्जेंटीना है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। यह जो आंकड़ा लिया गया है वह 2011 ईस्वी के जनगणना के अनुसार लिया गया है। तो दोस्तों, आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत की जनसंख्या घनत्व जो है वो काफ़ी अधिक होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है भारत का क्षेत्रफल वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.42% है, लेकिन यहाँ जनसंख्या का जो निवास है वो कितना है, लगभग 18%, यानी 17.5% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश जो भारत जो है वो ये हैं। अब देखेंगे जनसंख्या के दृष्टिकोण से, सबसे पहले चीन है, उसके बाद भारत है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, इंडोनेशिया है, ब्राजील है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तब रूस है। यहाँ पे देखिए, रूस इन सभी देशों में सबसे अंत में है, लेकिन क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो जाहिर सी बात है जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम होगा वहाँ। ठीक है, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर व पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। समझ पा रहे हैं? उत्तर से दक्षिण जो भारत का विस्तार है वह 3214 और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसके तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई जो है वह 6,100 किलोमीटर है। दोस्तों, हम लोग काफ़ी विस्तार से पढ़ चुके हैं। मैं इस वीडियो अपने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से जाके भी इसको काफ़ी आसान भाषा में समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा की लंबाई, भारत के 7 पड़ोसी देश जो हैं उनके साथ सीमा की लंबाई यहाँ पे दी गई है और उनसे संबंधित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का नाम दिया गया है। भारत का सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है और इसकी लंबाई जो है वो 4,096.7 किलोमीटर है। बांग्लादेश से भारत के राज्य जो सीमा निर्धारित करते हैं वे हैं असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। इनमें जो सबसे ज़्यादा सीमा निर्धारित करता है वह है पश्चिम बंगाल। ठीक है, दूसरे नंबर पर है चीन। चीन के साथ भारत की सीमा 3488 किलोमीटर की लगती है और यह सीमा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश राज्यों से लगती है। अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा सीमा तो लद्दाख के साथ। ठीक है, अब है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भारत की 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है। ठीक है,
अब भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं? तो यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, इसके अलावा लद्दाख। चूंकि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विभाजित हो गया है, तो अब लद्दाख की सीमा भी पाकिस्तान के साथ लगती है। आगे बढ़ते हैं, नेपाल। नेपाल के साथ भारत की 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं उत्तराखंड राज्यों से लगती है। और अगर बात की जाए सर्वाधिक सीमा की, तो बिहार से नेपाल की सर्वाधिक सीमा लगती है। आगे है म्यांमार। म्यांमार के साथ, यहाँ पे दोस्तों देखिए हम बताना भूल गए, पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा राजस्थान की लगती है, आप याद कर लेंगे। म्यांमार, म्यांमार के साथ जो भारत की सीमा की लंबाई है वो 1643 किलोमीटर है। और म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एवं मणिपुर की सीमा लगती है। ठीक है, चलिए म्यांमार के साथ अगर सबसे ज़्यादा सीमा की बात की जाए तो मिजोरम की सीमा लगती है। ठीक है, अब बात करेंगे भूटान की। भूटान के साथ भारत का 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। और यह जो राज्य हैं जिनके साथ भूटान की सीमा लगती है उसमें सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल एवं अरुणाचल प्रदेश हैं। अगर सर्वाधिक सीमा की बात की जाए तो असम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए सारा कुछ लिखा हुआ है, पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश, माफ कीजिएगा दोस्तों हम बिहार बता दिए, उत्तर प्रदेश, म्यांमार के साथ मिजोरम, भूटान के साथ असम। यहाँ पे जो बातें नहीं लिखी गई है वो भी हमने बता दी आपको। आगे बढ़ते हैं, अफगानिस्तान के साथ भारत की 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। और ये जो सीमा है वो लद्दाख से लगती है जो कि पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत है। तो इस प्रकार भारत की कुल जो सीमा है वो कितना है, 15,200 किलोमीटर लगभग है। यहाँ पे देखिए जोड़ के आया है 15,106.7 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, तो आंसर 15,200 किलोमीटर ही होगा। यहाँ पे देखिए नोट में कुछ बातें लिखी हुई हैं कि भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देशों से सीमा जोड़ते हैं। कितने राज्य, 16 राज्य पड़ोसी देशों से सीमा जोड़ते हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो ये संख्या आगे बढ़ सकती है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विभाजन हो चुका है। आगे पॉइंट में है, भारत की जलीय सीमा, आप कमेंट करके बताएंगे कि भारत के कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा पड़ोसी देशों से लगती है। आगे है, भारत की जलीय सीमा या कहे समुद्री सीमा से जुड़े 7 देश हैं। कौन कौन है, तो पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ये सारे जो 7 देश हैं वो भारत के जलीय सीमा से जुड़े हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो भारत के साथ जलीय सीमा से भी जुड़े हुए हैं और भारत के साथ स्थलीय सीमा से भी जुड़े हुए हैं। और ये कौन कौन है, देखिए यहाँ पे पॉइंट में दिया हुआ है, भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देशों में हैं बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह बृहद निकोबार, जिसे महान निकोबार भी कहता है, यह बृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। पहले इसका नाम पिगमिलियन पॉइंट था। भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में है और पश्चिमी बिंदु सरकरी गुजरात में व पूर्वी बिंदु किबूतू अरुणाचल प्रदेश में है। देखिए यहाँ पे लुसेंट ने अपडेट किया है खुद को और एक नया नाम किबूतू दिया है। पहले यह लोग बलांगू देता था लेकिन अब किबूतू दिया है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। कोलावा पॉइंट मुंबई में, पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में एवं पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी भाग में है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, ये सब पॉइंट है। किस तरह के पॉइंट है, तो एक तरह के कहा जाए कि समुद्र तटीय भागों की स्थिति है। आगे बढ़ते हैं, भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। ठीक है, नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है, काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक रेखा बनाती है। काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक रेखा बनाती है। 70 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा है और धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ नए नए पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है। यह 70 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा और धरती के ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है जो 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर सीजे रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। यह काली नदी सीमा किस राज्य में बनाती है, तो उत्तराखंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पटकाई की पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। पटकाई श्रेणी वहां पे कहा गया है
और यह पटकाई की पहाड़ी जो है वो भारत को म्यांमार से अलग करती है। पूर्वांचल श्रेणी का ही भाग है ये। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होती है। पाक जल डमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है। हम लोग जल संधि वाले वीडियो में बात कर चुके हैं कि भारत से श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करता है और यह मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पाक जल डमरू मध्य जहाँ पे है वहीं पे राम सेतु की स्थिति है। ठीक है, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। आगे है, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। यहाँ पे अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो श्रीलंका के बाद जो दूसरा सबसे पड़ोसी देश है वो इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे है, भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। दोस्तों, अगर ये सारे पॉइंट को आप पूरा डिटेल में समझना चाहते हैं तो भारत के भूगोल प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो नंबर 1 को देखेंगे। मैंने वहाँ पे काफ़ी डिटेल में बताया है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा क्यों माना गया है और यह कैसे 5.5 घंटा आगे है। आगे देखते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पे देखिए राज्यों का नाम दिया है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यहाँ पे अगर ट्रिक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, उत्तरा आंध्रा माही छत्री लेके उड़ा। ठीक है, उत्तरा उत्तर प्रदेश, आंध्रा आंध्र प्रदेश, माही मध्य प्रदेश, छत्री छत्तीसगढ़, लेके उड़ा में उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है या 8 राज्यों से होकर जाती है। अगर बात की जाए तो वो राज्य है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। आप कमेंट करके बताएंगे कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है। ठीक है, पृथ्वी का चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। त्रिवेंद्रम किस राज्य की राजधानी है, आप कमेंट करेंगे। आगे है, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों में आते हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप का भाग नहीं है। आप हो सकता है उसमें भूटान ऑप्शन रहे, अफगानिस्तान ऑप्शन रहे, तो आप ध्यान से उसको करेंगे, अफगानिस्तान उपमहाद्वीप का भाग नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। इसकी सीमा 8 राज्यों जो कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार से लगी है। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी है। ठीक है, तो अगर केंद्र शासित प्रदेशों सहित बात की जाए तो यह संख्या 8 से बढ़कर 9 हो जाती है। आगे है, भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। कितनी लंबी है, तो 1663 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा और उसके बाद अगर तीसरे नंबर पर बात की जाए तो तमिलनाडु की तटरेखा है। आप जाके भारत के तटीय राज्य, भारत के भूगोल वाले वीडियो में जाके ये सारे पॉइंट को अच्छे से समझ सकते हैं, वहाँ पे क्रम से सारा कुछ बताया गया है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। ये राज्य कौन कौन से हैं मैं यहाँ पे बता दूँ कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अगर आप जाके वीडियो नंबर 3 को देखेंगे तो आपको ये काफ़ी डिटेल में बताया गया है, भारत के भूगोल का वीडियो नंबर 3 जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे कोड भी दिया हूँ, कैसे वो कोड है, तो MGKK बोट प्लस गुजरात इन। ठीक है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। आगे है, नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम है। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम है। समझ में नहीं आ रहा ये दोबारा से क्यों दिया है, जबकि ऊपर में भी बता चुका है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे है, पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं लगती है। आप इसको पॉइंट में याद रखेंगे कि पूर्वोत्तर राज्यों की कौन कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, तो वो है नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम। अगर भारत के राज्यों की स्थिति आप वीडियो देखे हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं कि किसका सीमा किसके साथ लगता है, किसके साथ नहीं लगता है। तो आप चाहें तो जाके भारतीय राज्यों की स्थिति वाला वीडियो संख्या 2 को देख सकते हैं। आगे है, पाकिस्तानी सीमा से लगे 3 राज्य हैं, वो कौन कौन से हैं, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। हालांकि पहले जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन अब वो राजनगर के केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। आप देख सकते हैं राजस्थान की सीमा सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से लगती है, कितनी, 1179 किलोमीटर की है। उसके बाद गुजरात की है, तब पंजाब की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से और उत्तर में चीन से मिलती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा किसके किससे मिलती है, तो पूर्व में जो है म्यांमार है, पश्चिम में भूटान है, उत्तर में चीन है। ठीक है, आगे है, सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। सिक्किम की सीमा किससे किससे लगती है, नेपाल से उत्तर में
सॉरी पश्चिम में नेपाल से, उत्तर में चीन से और पूर्व में भूटान से। तीन ओर बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य त्रिपुरा है, केवल उत्तर में यह असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। संकोच नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। संकोच नदी जो है वो किसके किसके बीच सीमा बनाती है? असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच। यांग्याप दर्रे से यांग्याप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। हम लोग इसके बारे में काफ़ी विस्तार से बात कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए भारत के प्रमुख दर्रों को दिखाया गया है। काराकोरम दर्रा हम लोग पढ़ चुके हैं, जम्मू कश्मीर में है। जो जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। और बुरजिल दर्रा जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे देखिए दोस्तों, लूसेंट ने बाकी जगह तो अपडेट किया है लेकिन यहाँ पे अपडेट करना भूल गया है। काराकोरम दर्रा एक्चुअल में लद्दाख में है, ठीक है? तो आप इसको अभी ऐसे याद रखेंगे। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बड़ा लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, लिपू लेख दर्रा उत्तराखंड में है, माना दर्रा उत्तराखंड में, नीति दर्रा उत्तराखंड में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, और जलैपला दर्रा सिक्किम में है। बोमडिल्ला यांग्याप दीफू ये सारे दर्रे कहाँ के हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के हैं। और तुजू दर्रा मणिपुर का है। आगे है, जोजीले दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, सिपकिला दर्रा का निर्माण सतलज नदी द्वारा तथा जलैपला दर्रा का निर्माण तिस्ता नदी द्वारा किया गया है। आप इसको याद कर लेंगे कि जोजीला दर्रा सिंधु नदी, सिपकिला दर्रा सतलज नदी और जलैपला दर्रा तिस्ता नदी। तिस्ता नदी कहाँ से? सिक्किम से, ठीक है। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5624 मीटर है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A जो है वो लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। यानी कि कह सकते हैं कश्मीर से लेह जाने में जोजिला दर्रा को पार करना पड़ता है। और जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बुरजिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। गिलगित जो है वह श्रीनगर से किस दर्रे से जुड़ता है? तो बुरजिल दर्रा से। आगे है, बनिहाल दर्रा से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। यह जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। दोस्तों अगर आप भारत के प्रमुख ग्लेशियर और दर्रा वाला वीडियो देखे होंगे तो आप ये सब काफ़ी आसानी से चुटकियों में बता सकते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाके आप देख सकते हैं, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे है, तुजू दर्रा मणिपुर में भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है, ठीक है। तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में, भारत और म्यांमार को जोड़ता है। आगे है, सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा कहाँ है? तो यह है आपका हिमाचल प्रदेश में, और शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। जीवित जड़पुल मेघालय में पाया जाता है। वहाँ जो है जीवित जड़पुल पाया जाता है, कहाँ? मेघालय में। यहाँ जड़ों से, वृक्षों के जड़ों से एक पुल का निर्माण किया जाता है, उसे जीवित जड़ पुल कहते हैं, और यह मेघालय में पाया जाता है। यहाँ देखें कुछ पॉइंट में लिखा हुआ है नोट में, मेघालय के खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों का अनुवर्धन कर इसे जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों के रूप में रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जड़ पुल कहते हैं। स्थानीय भाषा में इसे जिंग केंग इरो कहते हैं, ठीक है। हमने अभी बताया कि जो जीवित जड़ पुल है वो रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों को जोड़कर बनाया जाता है। और किस जनजाति के द्वारा? तो खासी जनजाति के द्वारा। किस राज्य में? तो मेघालय राज्य में। तीन अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। कौन कौन समुद्र हैं? तो हिंद महासागर का, बंगाल की खाड़ी का और अरब सागर का, ठीक है। आगे पॉइंट है कि भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका के तलैमन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे आदम का पुल कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार यही राम जी के द्वारा निर्मित पुल था। तो यहाँ पे बताया गया है कि भारत के रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी तथा श्रीलंका के तलैमन्नार के बीच प्रवाल द्वीप के रूप में एक रेखा है, वही आदम का पुल है। यहाँ पॉइंट में लिखा हुआ है कि जाफना शेष श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रा द्वारा जुड़ा हुआ है। जो जाफना है वह शेष श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रा द्वारा जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसी के साथ भारत के भूगोल के सामान्य जानकारी यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम लोग विश्व के प्रमुख स्थल प्रदेश तथा विश्व प्रसिद्ध स्थल के बारे में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। विश्व के भू आवेष्टित देश यानी स्थल प्रदेश, ये वह देश हैं जिसमें समुद्री तट रेखा नहीं पाई जाती है। ये देश चारों ओर से अन्य देशों की भौगोलिक सीमाओं से घिरे रहते हैं। विश्व के कुल कुछ प्रमुख भू आवेष्टित देश हैं, जैसे एशिया में अफगानिस्तान, नेपाल, मंगोलिया, लाओस, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, भूटान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान तथा तजाकिस्तान है। दोस्तों यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वह यह है कि लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलबद्ध देश है। उसके अलावे नेपाल को आप देख पा रहे हैं। आप भारत के भूगोल का विश्व एशिया का मानचित्र निकालें और आप इन्हें खोजने का प्रयास करें। ऐसा करने से आपके मैपिंग भी क्लियर होंगे और आपको पता चल जाएंगे कि कौन कौन से देश भूस्थलबद्ध देश हैं। आगे बात करते हैं यूरोप में, तो यूरोप में काफ़ी ऐसे देश हैं जो कि भूस्थल बद देश हैं।
जैसे देखिए ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, हंगरी, मेसिडोनिया, सर्बिया, वेटिकन सिटी, आर्मेनिया, बेलारूस, अंडोरा, लिचेस्टिन, मालडोवा और सैन मेरिनो। यहाँ पे जो लिचेस्टिन है यह दोहरा स्थलबद्ध देश है, यानी कि यह ऐसे देशों से घिरा हुआ है जो खुद स्थलबद्ध है, समझ गए? ठीक है। एशिया में भी एक देश है जो कि दोहरा स्थलबद्ध है, और वह देश कौन है? तो उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान एक ऐसा देश है जो खुद तो स्थलबद्ध देश है ये है, और यह स्थलबद्ध देशों से भी घिरा हुआ है, ठीक है, तो इन्हें दोहरा स्थलबद्ध देश कहते हैं। आगे है अफ्रीका। अफ्रीका में जो स्थलबद्ध देश है, आप अफ्रीका का मानचित्र निकाल के भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं नाम बता दे रहा हूँ, बोत्सवाना, बुरुंडी, चाड, लोसोथो, लेसोथो, मलावी, माली, नाइजर, जिम्बाब्वे, लुआंडा, स्वाजीलैंड, युगांडा, जाम्बिया, बुर्किना फासो, रवांडा, दक्षिणी सूडान, इथोपिया व मध्य अफ्रीका गणतंत्र। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो देश ऐसे हैं, लेसोथो और स्वाजीलैंड, ये स्थलबद्ध देश है, और किन देशों के अंतर्गत है? तो ये दक्षिण अफ्रीका देश के अंदर है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में सबसे कम स्थलबद्ध देश हैं, और ये दो ही हैं, कौन कौन? बोलीविया और पराग्वे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट में लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश की अगर बात की जाए तो वो कजाकिस्तान है, और अगर दूसरा सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश की बात की जाए तो आप बताएंगे कमेंट करके, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आगे है, भू आवेष्टित देशों में दो देश ऐसे हैं जो दोहरे भू आवेष्टित हैं, अर्थात ये चारों ओर से उन देशों से घिरे हैं जो स्वयं भी भू आवेष्टित है। कौन कौन है? तो लिचेस्टिन है और उज्बेकिस्तान है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने विश्व के प्रमुख स्थलबद्ध देशों के बारे में बात की। अब विश्व के प्रसिद्ध स्थल के बारे में बात करेंगे। व्हाइट सैंड्स यह यूएसए में है। अमेरिका ने जुलाई 1945 ईस्वी में पहला नाभिकीय विस्फोट यहीं किया था। कहाँ? तो व्हाइट सैंड्स में, ठीक है। कब? तो 1945 ईस्वी में। विलिंग्स गेट यह लंदन में है। यह ब्रिज लंदन का सबसे प्रसिद्ध मछली बाजार है, ठीक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क में, यूएसए में। इसे 1867 ईस्वी में प्रसिद्ध मूर्तिकार फ्रेडरिक ऑगस्टट वाल्थोर्डी ने डिजाइन किया था। इस मूर्ति का टाइटल लिबर्टी एनलाइटिंग द वर्ल्ड है। इस प्रतिमा के ताज में सात नुकीली आकृतियां बनी हुई हैं जो सातों महाद्वीप का प्रतीक है। इसकी ऊंचाई 151 फुट 1 इंच है। यह मूर्ति स्वतंत्रता का प्रतीक है। 28 अक्टूबर 1886 ईस्वी को यूएसए ने इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था। आप गूगल में सर्च कर बताएंगे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश ने यूएसए को दिया था, ठीक है। आगे है रेड स्क्वायर। रेड स्क्वायर रूस में है। यह क्रेमलिन स्थित यह एक प्रसिद्ध स्थान है जहां लेनिन की समाधि है, ठीक है। एलिसी पैलेस फ्रांस में है। यह फ्रांस के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। लेपनोर एक तरह से कहा जाए तो एक झील है जो कि चीन में है। यह चीन का प्रमुख परमाणु संस्थान है। यहाँ सिक्यांग मरुस्थल में स्थित है, ठीक है। अब चीन अब हमेशा परमाणु परीक्षण जो करता है वो लेपनोर में ही करता है। कांस फ्रांस में है। यहाँ प्रतिवर्ष फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाता है। पेंटागन यूएसए। यह यूएसए के रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग है। वर्जीनिया में स्थित यह बिल्डिंग विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय बिल्डिंग मानी जाती है। आप लोग बताएंगे कि वर्जीनिया यूएसए के किस भाग में है? यूएसए का एक प्रांत है तो किस भाग में है? डिज्नीलैंड यूएसए। यह एक मनोरंजन पार्क है जो कैलिफोर्निया के अनाहिम नामक स्थान पर बना हुआ है। इसका निर्माण वाल्टर इलियास डिज्नी ने 1955 ईस्वी में करवाया था। अराविले भारत में है। यह यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर है। यह पांडिचेरी में स्थित है। इसकी स्थापना अरविंदो सोसाइटी की मीरा अल्फेसा द मदर के द्वारा 28 फरवरी 1868 ईस्वी को की गई थी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के टारगेट ऑफ द डे का टॉपिक समाप्त होता है। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।